गांव गांव तक बिजली पहुंचाने का दम भरने वाली सरकार को ये खबर जरूर देखनी चाहिए। एक ऐसा भी गांव है जहां आज तक लोगों ने बिजली कनेक्शन के तार और खंभे का मुंह तक नहीं देखा। गर्मी से बेहाल गांव वालों ने जब चक्का जाम कर दिया तो पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर बिजली की व्यवस्था करवाने के बजाय लोगों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया। डिंडौरी जिले में सौभाग्य योजना के तहत मिलने वाले बिजली कनेक्शन का लाभ गांव वालों को नहीं मिलने से नाराज गांव वाले सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं और सड़कों पर उतरकर चक्का जाम कर रहे हैं। इस दौरान रास्ते से आने जाने वालों लोगों को भी खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वर्षों से बिजली की समस्या से परेशान गांव वालों की सुनवाई नहीं होने से चक्का जाम करने का रास्ता भले ही गलत हो सकता है, लेकिन गांव वालों की मजबूरी को भी सरकार को सुनना चाहिए। चक्का जाम करने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने सड़क जाम करने के खिलाफ कार्रवाई की और रास्ता खाली कराया। मंडला रोड पर किसलपुरी के आगे वहां के कुछ ग्रामीणों ने बिजली के खंभे लगाने की बात को लेकर के जाम किया था, जिस पर मार्ग अवरुद्ध हो गया था। मार्ग अवरुद्ध होने के कारण आवागमन प्रभावित हुआ था, जिस पर राजस्व के पटवारी की शिकायत पर आज जिन लोगों ने चक्का जाम किया था उनमें से चार लोगों के नामजद व 8-10 लोगों के खिलाफ धारा 341 147 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।